एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? अभी करीबन 11:30 बज रहे हैं और ये 11 तारीख का ही व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी कट कर रही हूँ। कल सब्जियाँ लेकर आए थे हस्बैंड, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था 10 तारीख का। तो सब्जियाँ जो लेकर आए हैं उनको मैंने धुल के रख दिया था। तो सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी और प्याज एंड क्या बैगन, ये सारी चीज़ें आई हुई थी। तो गोभी तो मैंने बहुत बार बनाया था, इसलिए मैंने सोचा चलो आज पत्ता गोभी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, आधा पत्ता गोभी मैं कट करूँगी, आधा रख दूंगी, काफ़ी बड़ा है। और पानी उबलने के लिए रख दिया है, तो जैसे ही हल्का पानी गुनगुना हो जाएगा, ये सारा पत्ता गोभी कट कर रही हूँ जो, वो मैं उसमें डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग हरी सब्जी जो कट करते हैं उसमें थोड़ा सा डर रहता है कि कोई कीड़ा ना हो या कुछ भी, तो वो अच्छे से साफ हो जाता है और अपना मन का डाउट है ना वो क्लियर हो जाता है। ये वीडियो 11 तारीख का है एंड 12 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, जो कि कल थी, निकल गई है। और आप लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी, मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था, तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मैं व्लॉग बनाई हूँ, आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एनिवर्सरी व्लॉग ही आएगा, सो वेट करना। यहाँ पे मैं सारा पत्ता गोभी कर करके भगोने में डाल दूंगी और आलू छील लूंगी, आलू छील के कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मल करके साफ करके धुल लूंगी। और नए आलू अभी आ रहे हैं तो फिर उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। थोड़े दिन बाद ये नए आलू ना बंद हो जाएंगे, नॉर्मली वैसे ही आलू आने लगेंगे अपने आप से ही। और अभी सर्दी थोड़ा से कम हो गई है, सो अभी मैंने सिर्फ यही एक स्वेट, जो वूलन वाला सोरा सेट है ना, वही मैं पहनती पहनी हूँ, अंदर कोई इनर वगैरह नहीं पहनी हूँ। और मौसम आपके यहाँ कैसा है ज़रूर बताना। फिलहाल यहाँ का तो अच्छा हो चुका है और धूप अच्छी खासी निकलने लगी है और कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम थे, सुबह से ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। तो आगे मैं आप लोगों से बात करूँगी, क्या क्या हुआ, क्या बात, क्या क्या काम की, वो सब बताऊंगी। हरी मिर्ची कट कर ली है और इसमें सरसों का तेल गरम करके इसमें हींग जीरा ऐड किया है, नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ। आप प्याज वाला खाना चाहते हैं तो प्याज वाला बना सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है सिंपल सा। बस ये सब्जी में क्या रहता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मान लो आलू इसमें पक जाएंगे, जो पत्ता गोभी होता है वो भी पक जाता है थोड़ा सा, अगर कच्चा सा रहता है ना तो मुझे अच्छा ही लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा खाना पसंद करते हैं कि थोड़ा सा कच्चा सा होगा तो कच कच करेगा तो अच्छा लगता है, वो अपने अपने पे डिपेंड करता है जो जैसा खाना पसंद करता है। तो बस इसको प्याज वाला भी बना सकते हैं। ये सब्जी थोड़ी सी टाइम लगाकर बनती है क्योंकि इसको एकदम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पकाना पड़ता है। इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स करके ऐड कर दिए, धनिया, नमक, मिर्ची, नमक नहीं ऐड किया है, धनिया, मिर्ची और हल्दी। उसके बाद लास्ट में इसको मिक्स करने के बाद इसमें लास्ट में नमक ऐड कर देंगे। और जब ये सब्जी बन गई थी तब तो मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रंकल कर दिया था। आमचूर पाउडर कम से कम एक छोटी चम्मच तो डाला ही था मैंने, एंड जो गरम मसाला वो चुटकी भर डाला था। थोड़ा सा रायता में दही में तड़का लगा दिया था, रायता, पराठा और सब्जी। हाय हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। खाना बन चुका है, हम सब लोग खा चुके हैं। हम सब लोग मतलब मैं, आद्या और दक्ष। अब मेरे हस्बैंड स्कूल में ही है, जब वो स्कूल से आएंगे तब वो खाएंगे। फिलहाल मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, इतने ज़्यादा हो गए थे कपड़े, मैंने वॉशिंग मशीन में लगाए धुले। और बाहर इतनी ज़ोरों की धूप निकली हुई है और साथ साथ इतनी तेज़ हवा चल रही है, कपड़े टिक ही नहीं रहे हैं। और इतनी सारी क्लिप्स मेरे पास है नहीं कि सब में मैं लगाऊं, तो कुछ कपड़े गिर रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो बार बार उठा कर उनको फैलाने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। खैर, आज है 11 फरवरी और कल है 12 फरवरी। कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और देखते हैं कल का क्या प्लान है क्या नहीं। मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं पता हुआ है क्योंकि इस टाइम हम लोगों के बीच में चल रही है, हम लोगों के बीच में नहीं, मतलब हम लोगों के साथ चल रही है बहुत सारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे कि इनका हाथ अभी ठीक नहीं है और उसमें भी बहुत सारा पैसा लगा भी है और बहुत सारा पैसा अभी और लग भी सकता है क्योंकि अभी उनका हाथ ठीक नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोगों का जो पैसा है, खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ नया, कोई भी नया सामान नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी लेने का मन करता है तो दिल को रोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं अभी नहीं, पहले ये सारी चीज़ें हो जाएं, थोड़ा सा सेटल हो जाए सही तरीके से, फिर उसके बाद करेंगे। और देखिए किराए के घर में रह रहे हैं तो किराया तो देना ही पड़ेगा। और
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर एक चीज को एक एक्सप्लेन करके नहीं मैं बता पाऊंगी अभी, लेकिन हाँ कभी मौका मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आखिरकार यूट्यूब फैमिली हो आप लोग मेरी, आप लोगों के साथ हर एक दुख सुख सब कुछ शेयर करती हूँ, इतने सालों से शेयर करती चली आ रही हूँ, तो फिर से करूंगी, है ना। लेकिन अभी कुछ चीजों को थोड़ा सा छुपा के रखना ही सही है ना। बहुत शरारती बच्चे हैं आज। दक्ष के हाथ में पता नहीं कहाँ से ऊपर छत पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको कटिंग करने के लिए कैंची रखी हुई थी, उसके हाथ में लग गई और उसने आद्या के हाथ में मार दी। उसकी उंगली थोड़ा सा यहाँ पे कट लग गया है, ब्लड भी आ गया था। ये रही आद्या, दिखा रही है, ये दिख रहा होगा कट लगा हुआ है। तो बहुत रोई थी वो, लेकिन दक्ष भी छोटा ही है, क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के हाथ में इन सारी ये सारी चीजें ना ही आए, मैं कोशिश करती हूँ हर एक चीज को ऊपर रखने की, लेकिन वो ऊपर छत पे कटिंग वगैरह किसी ने की होगी तो वही रखी होगी, तो ये बच्चे छत पे घूमने चले गए, छत पे जाके उनको कैची मिल गई तो ये हरकतें कर ली। खैर खैर, मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, बाद में जो पानी बच जाता है उसमें मैंने डाला है ये जो पैरदान वगैरह होते हैं ना वो डाल दिए, तो वो धुल रहे हैं। और उसके बाद मैं इन सारे काम से हो जाऊंगी फ्री। आज मुझे घर बहुत ज़्यादा अपना क्लीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा साफ, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से रगड़ रगड़ के पोछा लगाया है। मोप जो है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, हर एक टाइम पे मेरा वो काम आता है, लेकिन जो हाथ से जो पोछा लगाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। तो वही है, मैंने हाथ से आज पोछा लगाया पूरे घर में। अभी बस बर्तन पड़े हुए मेरे धुलने के लिए, सो मैं थोड़ा लेट बर्तन धुलूंगी क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ दक्ष और आध्या को थोड़ा सा रेडी कर दूँ, क्योंकि इन लोगों ने सुबह नहाने के बाद ऐसा गंदा कर रखा अपने आप को खेल खेल के। जब तक मैं ये सारे काम करती रही, कपड़े धुलती रही और किचन में लगी हुई थी और खाना वगैरह भी खिला दिया इन लोगों को, तब तक इन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है छत पर से। तो मैं इनको थोड़ा हाथ में धुलाती हूँ, आध्या को थोड़ा तैयार करती हूँ, और अभी बजे हुए हैं 2 और 3 बजे आ जाएगी आध्या की मैम, तो आध्या को ट्यूशन भी पढ़ना है, तो उससे पहले मैं आध्या को तैयार कर दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए। कल मैं आध्या के हेयर वॉश करूंगी, इसलिए मैं आज बालों में उसके ऑयल लगा दे रही हूँ, और कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ, स्किप क्या कर देती हूँ। और जैसे मैं अपने बालों में तेल लगाना भूल जाती हूँ, ऐसे ही मैं आध्या के बालों में तेल लगाना भूल जाती हूँ। क्या जैसे ही मुझे याद आता है मैं उसके बालों में तेल लगाती हूँ। और आज कह रही थी मेरी चोटी कर दो, तो मैं इसे चोटी करूंगी। और उसने सुबह से नहाने के बाद ऐसे ही घूम रही थी, पूरे कोम वोम कर लिया था, हेयरबैंड लगा लिया था, तो काफी गंदे पैर वैर कर रखे थे, छत पे टहलाई थी, तो हाथ पैर धुल लिए, मुंह धुल लिया और तेल डलवा कर चोटी भी करवा ली। ऐसा दक्ष की बारी है, मैं दक्ष को फटाफट से तैयार कर देती हूँ, वो भी नहा के तैयार ही है, बस उसका थोड़ा सा हाथ पैर फिर से धुल के, मुंह धुल के, थोड़ा सा बालों में तेल भी लगा के तैयार कर देती हूँ, सॉक्स पहना देती हूँ, एंड ये तैयार हो गया है, तेल लग गया है थोड़ा सा, मैंने तेल इसके मुंह पे भी लगा दिया, तो कैसा लग रहा है, ऑयली ऑयली सा फेस। सो शूज पहना दिए हैं, अब मैं इसको छोड़ दूंगी तो थोड़ी देर छत पे ऐसे ही खेलेगा। तो मैंने शूज वगैरह पहना दिए, सुबह ना जल्दी रहती है मुझे, तो इसलिए मैंने शूज वगैरह नहीं पहनाए थे, धूप निकल आती है ना सुबह सुबह, तो मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर छत पे खेला करते हैं दोनों बच्चे, अच्छी खासी धूप भी लग जाती है, बच्चे थोड़ा धूल मिट्टी में खेलेंगे तो क्या है, थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा लगेगा। और सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रही हूँ, वो रहा ये क्या है, ये मुझे कल मिल गया था। एक्चुअली मैंने अपने स्टिच करवाने के लिए जो सूट और ब्लाउज डाले थे तो वो सिल के आ गए थे कल, और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, इस वजह से मैं आप लोगों को क्या दिखाती, क्योंकि कल मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं की थी, तो आज मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो मैं चलो आज मैं आप लोग दिखाती हूँ। एंड इसमें जो सूट है वो मैंने अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए सोचा है, सो एक गाउन भी है, मतलब पूरा लहंगा है, सॉरी गाउन बोल रही हूँ, लहंगा है, तो उसको भी पहनने के लिए सोचा है। तो आप लोग बताना इनमें से मैं इन दोनों में से क्या पहनूं, फिलहाल मैं आप लोग देखूं और मैं खुद देखूं, मैंने खुद भी इनको नहीं देखा है, जैसे कि कल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उसके बाद मैंने इनको वहीं रख दिया था और फिर मैं इनको देखा ही नहीं, तो अभी मैं देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये रहे 2 थैलों में, इधर ये है वो लहंगा स्कर्ट है, लहंगा नहीं, मतलब स्कर्ट और ऊपर एक कपड़ा दिया गया था जिसका आप टॉप चोली मतलब जो भी चाहो बनवा लो, सो मैंने एक डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा बनवाया है। एंड ये इसमें डोरी बना दे दी है, यहाँ पे ये चैन लगा दी है, बढ़िया है और कलर अच्छा लग रहा है।
ये मैंने अमेजोन से ही लिया था, और इसमें और भी कलर ऑप्शन थे बट मैंने ये वाला पसंद किया था। एंड इसमें और भी कलर ऑप्शन है, ब्लैक में है। सो बताना है कि ये है इसका ब्लाउज, देखो कहाँ है इसका ब्लाउज, ये ब्लैक वाली साड़ी होगा। इसका ब्लाउज ना थोड़ा हटके मैंने सिलवाया है इस स्कर्ट का, मैं दिखाती हूँ। ये है इसका ब्लाउज, ब्लाउज का पीस था। तो मैंने पहली बार मैंने ब्लाउज में इस बार चोली कट यहाँ पे करवाया है, और स्लीव्स में इसे कोल्ड शोल्डर करवाया है, एंड यहाँ पे चैन वाला सिस्टम करवाया मैंने। इस बार मेरा मन कर रहा था चैन वाला, थोड़ा टॉप जैसा लुक आएगा इसलिए। सो ये इसमें अच्छी क्वालिटी की चैन लगी हुई है, अंदर अस्तर भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। पहनने के बाद इसका लुक पता चलेगा कैसा लगेगा, एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इसी का है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये ब्लाउज को इसी के साथ वेयर करूँगी। कोई भी साड़ी जिसमें पिंक कलर का ब्लाउज जा रहा होगा तो मैं उसके साथ डेफिनेटली इसके पहन सकती हूँ। एंड एक ब्लाउज ये मैंने सिलवाया है अपनी ब्लैक वाली साड़ी का, वो भी सिल के आ गया है। ये भी देखिए चोली कट में ही सिलवाया, मुझे चोली कट ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरी सासू माँ है ना, वो चोली कट में ही ब्लाउज बनाती थी मेरे लिए, तो वही अच्छे लगते थे। एंड ये पफ वाला मैंने यहाँ पर डिजाइन डलवाया है इस साड़ी में। एंड इस साड़ी का जो ब्लाउज का गला है ये वोट नेक का करवाया मैंने इस तरीके का, अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया। मतलब बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं पहनने के लिए। अब मैं सूट दिखाती हूँ जो कि मैंने सोचा था पर्सनली कि मैं ये पहनूंगी, एंड ऑप्शन में ये भी रखा है। अब आप लोग मुझे बताना कि मैं अपनी एनिवर्सरी पे क्या पहनूँ, कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। सो ये रहा सरारा, सरारा भी काफ़ी अच्छा, जैसा पिक्चर्स में सूट बन के लगा हुआ है ठीक वैसा ही है। देखिए सरारा काफ़ी ज़्यादा घेर दिए दिया है इन्होंने, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था। तो ये है अंदर, इसमें अस्तर भी है, देखो लाइनिंग भी अच्छी दी गई है ये। एंड ये रहा सूट, पूरा वैसे ही बनवाया मैंने जैसा पिक्चर में था, ये बिल्कुल डिज़ाइन वाला। एंड ये स्लीव्स इस तरीके की बटरफ्लाई, अच्छा लग रहा है ना। इसके साथ चुन्नी है वो प्लेन है। सो अब आप लोग बताना मुझे कि मैं कौन सा पहनूँ, ये या फिर ये वाला स्कर्ट और ये ब्लाउज। इसके साथ दुपट्टा है प्रिंटेड वो। सो आप लोग बताना, मैं इसको उठा कर रखती हूँ एंड ट्राई भी कर लूँगी कि ब्लाउज ठीक है या नहीं, वरना पहनने में दिक्कत हो जाएगी। सूट भी ट्राई कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट से जरूर बताना, लिख कर इंतजार करूँगी। एंड लो मेरे हस्बैंड भी आ गए, चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इनके आने के बाद मैंने गर्मा गर्म पराठे सेके, ये रही पत्ता गोभी की सब्जी और रायता, एंड इनके लिए मीठे में रख दिया है पेठा, एंड ये अमरूद, अमरूद है ये जो कि मैंने छोटे कट किया है। फिर खाना इनको खिलाने के बाद मैं ऊपर छत पे गई थी, देख सकते हो आप हवा कितनी तेज चल रही है। आंटी भी अपने कपड़े उतार रही हैं और मैं भी अपने कपड़े उतारने आई हूँ, दक्ष सारे कपड़े तय करवा रहा है आंटी के साथ में, और राध्या भी है। तो बस थोड़ी देर रुकी थी, अपने सारे कपड़े लिए, तय लगाए, लेके नीचे चली गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, एंड ये शाम की क्लिप है। थोड़ा सा दही बच गया था जो मैंने तड़का दिया था, तो मेरे शाम को खाएंगे तो खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, सर्दी अभी है ऐसा नहीं है, चली गई है। तो मैंने क्या किया, उसी दही में थोड़ा सा सूजी भिगो दी। थोड़ी देर बाद करीबन 10 मिनट बाद भीगने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इनो ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद नमक और प्याज वगैरह ऐड करके छोटे छोटे अप्पे डाल दिए हैं, बनने के लिए रख दिए हैं। जी देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और क्रिस्पी से अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी। मैंने सॉस के साथ में सर्व किया, बच्चों ने भी चाव से खाया, मैंने भी एक आध खा लिए थे। और गर्मा गर्म चाय बनाई थी, हस्बैंड के लिए नमकीन रख ली है, थोड़ी सी नमकीन भी खाएंगे साथ में। तो रही हमारी शाम की चाय, आ जाइए आप लोग भी हमारे पास, नाश्ता कर लीजिए शाम का। और हाँ एक बात और, आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स एंड अपडेट देती रहती हूँ, तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ पे इनको पता नहीं क्या सूझा, ये क्या हुआ, ये एल्बम लेकर आ गए वेडिंग का, हम लोगों का क्लिक कर रहे थे फोटो। मैं सारा काम निपटा कर रात का तब मैं आई रूम में, तब देखा ये कैमरा ऑन करके सिर्फ फोटो खींच रहे थे। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें कभी करते नहीं है, तो इस टाइम जब इस बार जब कर रहे थे इतने सालों बाद, तो फिर जब देखा मैंने तो पूछा, तो बोल रहे थे कि फोटो क्लिक करके स्टेटस पे लगाऊंगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आज ये फोटो इसलिए क्लिक कर रहे थे एंड स्टेटस पे लगाया था फिर, क्योंकि 12 तारीख को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो 11 की रात को ही लगा दिया था इन्होंने।
बस एक के बाद देखते देखते दक्ष भी देख रहा था, फिर मैं भी कैमरा लेके दिखाने लगी आप लोगों को। वैसे तो मैंने शेयर किया है, आप लोग बताना दोबारा अच्छे से शेयर करूँ अगर आप लोग चाहते हो तो फिर दिखाऊंगी। वैसे मैंने अलग अलग पार्ट में शेयर किया है, अगर चाहो तो एक ही वीडियो में बना दूँ जिसमें जलेली पूरा एल्बम दिखा दूँ। इसमें ना इंगेजमेंट एंड तिलक और शादी बारात और रिसेप्शन सारी चीजें इसी में है एक एल्बम में। तो फुल मेरा एल्बम यही एक है पूरा। और यहाँ पे दक्ष और राध्या बहुत एक्साइटेड है, देख रही है मम्मी आप कैसे थी, पापा कैसे थे, ये है वो है। खैर ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना एंड वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।